हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS का न्यू नोटिफिकेशन, जिसमें हमें वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई गई है। साथ ही साथ हर एक एग्जाम का सिलेबस भी हमें पूरा कंप्लीट बताया गया है। तो इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज EMRS PGT कॉमर्स की वैकेंसीज को। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस हमारे पास दिया गया है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग पर वैकेंसीज आई हुई है। आपके पास टीचिंग वैकेंसीज भी है और नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी है। तो अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम डेट्स की बात करें तो एग्जाम डेट्स इसकी लास्ट है 31 जुलाई 2023, 31 जुलाई अप टू 23:50 आवर्स, यानी कि 11:50 तक। तब तक आपके पास टाइम है कि आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट 31 जुलाई है, ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, वेट करते मत रहिएगा कि 31 तारीख बहुत दूर है, आराम से फॉर्म भरेंगे। नहीं, टाइम पर अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, इनकी जो वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर जाना है EMRS की, और उस पर रजिस्ट्रेशन करके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना है। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2000 यहाँ पर आपकी फीस लगेगी। पीजीटी एग्जाम के लिए 1500 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपकी 1000 फीस है। साथ ही साथ अभी तक स्पेशल मेंशन कुछ किया नहीं है कि कब तक ये एग्जाम होगा, तो एग्जाम डेट्स को लेकर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का, वो रहेगा 180 मिनट्स का अगर आप टीचिंग स्टाफ के लिए कोई फॉर्म फिल करते हैं, और 150 मिनट्स का रहेगा अगर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कोई फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके एडमिट कार्ड पे आएगा। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करी है, उस स्टेट के जिस भी एग्जाम सेंटर को चूज किया गया है, वही आप लोगों को भी मिलेगा, और इसकी पूरी लिस्ट भी आपको इस PDF में दी हुई है। तो आप आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि हम PGT कॉमर्स का डिस्कशन करने वाले हैं, तो PGT में यहाँ पर 2266 वैकेंसीज है, 2266 वैकेंसीज है, जो कि आपकी PGT एग्जामिनेशन की बात यहां पर करता है। आगे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है। कॉमर्स में 140 वैकेंसीज है टोटल। टोटल कितनी वैकेंसीज है? 140। ये 140 वैकेंसीज में आप UR 58 है, EWS 14 वैकेंसीज है, OBC के लिए 37 है, ST कैटेगरी में है 21, ST 10, OH में आएगी 2 वैकेंसीज, और उसके बाद आपको बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसीज है। टोटल 140 है, और अगर मैं जर्नल की बात करूं तो स्पेसिफिक 58 वैकेंसीज है PGT कॉमर्स के अंदर। साथ ही साथ PGT इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशंस और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल जरूर कीजिए। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स का सिलेबस क्या हमें बताया गया है यहाँ पर, और क्वालिफिकेशंस क्या है अगर आप पीजीटी कॉमर्स के लिए EMRS में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं, डिस्कशन करते हैं इस चीज के ऊपर। यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए 361 पोस्ट है, और इसका पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको दिया जा चुका है, वो आपने आई होप कि देख लिया होगा। दूसरी चीज है यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे। देखो, अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है PGT कॉमर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप पे लेवल दे सकते हैं। 8 लेवल पर यहाँ पर आपको पे किया जाएगा, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक आपकी सैलरी हो सकती है। अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए 35,400 और 1,12,400 के आसपास यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। तो रिस्पेक्टिव
पोस्ट के लिए आप उसका रिस्पेक्टिव सैलरी देख सकते हैं, पे स्केल देख सकते हैं कि कितना आपको पेमेंट यहाँ पर होगा। एग्जामिनेशन के मोड की बात करें तो ये ऑफलाइन होगा पेपर, ठीक है। ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड से आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर ओएमआर शीट आपको दी जाएगी जिसमें आपको सर्कल करना होगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पैटर्न, तो देखिए यहां पर पीजीटी कॉमर्स, मतलब बेसिकली मैं पीजीटी एग्जाम का आपको एग्जाम पैटर्न बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके पास 130 मार्क्स के, ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, यानी कि टोटल बन गए आपके 150 मार्क्स। और 150 मार्क्स के लिए आपको दिए जाएंगे यहाँ पर 3 घंटे, है ना। टोटल टाइम आपको यहाँ पर मैंने बताया था ना 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा, आ गया नोटिफिकेशन में था यहाँ पर, ये टीचिंग के लिए 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो 180 मिनट्स बोले तो 3 घंटा, है ना, 60 60 60। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर टेस्ट देना होगा। यहाँ पर पार्ट वन आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। रीजनिंग एबिलिटी में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। आईसीटी के नॉलेज से भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स अगेन। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस होंगे। तो सिर्फ इतना पोर्शन जो है आपका, ठीक है, ये आपका 50 मार्क्स का पोर्शन बन जाता है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपके ये चार जो पार्ट्स है इसमें से आएगा, दैट इज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी का नॉलेज और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। आप इनको चार अलग अलग यूनिट से भी पढ़ सकते हैं कि हमारे पास चार यूनिट्स हैं। फिफ्थ यूनिट है आपके पास जो डोमेन नॉलेज है आपका। इसमें आपके पास जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आप कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कॉमर्स का जो सिलेबस बताया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस वेबसाइट से आप ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉमर्स में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर्टिकुलर सिलेबस से, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी, साथ ही साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और NEP 2020 से भी क्वेश्चन होंगे। ये जो पोर्शन है ये 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये भी आपके 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज की अगर मैं बात करूं, अगर आप कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स से 70 क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है। तो 70 क्वेश्चंस कॉमर्स से पूछे जाएंगे और आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन इन 5 यूनिट से पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपको इन दोनों टॉपिक से पूछे जाएंगे। यहां तक मिलाकर बनता है आपका 130 मार्क्स। लेकिन इसके बाद भी आपसे 10 मार्क्स इंग्लिश और 10 मार्क्स हिंदी के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि 20 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश का भी एग्जाम होगा, जिसमें आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो पार्ट है पार्ट 6, ये आपके एग्जाम का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स दोनों ही लैंग्वेज में क्या करने पड़ेंगे, क्वालिफाई करने पड़ेंगे। 40% यानी कि 4-4 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, यानी कि 20 में से आपको 8 मार्क्स यहाँ पर लेकर आने होंगे, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो ये वाले जो मार्क्स रहेंगे पार्ट 1 से पार्ट 5, ये क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, है ना। तो यानी कि इस पोर्शन में आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने ये जो 4 यूनिट्स हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी प्रिपेयर करना है। साथ में आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है और उसके साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन करना है। अपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप करेंगे, कॉमर्स का आप प्रिपरेशन करेंगे, तो 70 मार्क्स का वेटेज ये रखता है और 10 मार्क्स आपसे पेडागॉजी और केस स्टडी क्वेश्चंस, साथ ही साथ NEP 2020 के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये पूरे एग्जाम को करने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। इस 3 घंटे में आपको इस एग्जाम को करना होगा। यहाँ पर आपके पास कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि पहले आप पार्ट 1 को ही करें या पहले आप पार्ट 3 को ही करें, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप शफल करके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और एक एक करके आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। तो मैंने क्या बताया, एग्जाम 130 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स आपके इसके अलावा लैंग्वेज के होंगे, यानी कि 150 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का समय हमें यहाँ पर दिया जाएगा
और ये जो पेपर होगा ये OMR शीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। अकाउंटेंट के लिए तो ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। आगे जो है इस पे डिस्कशन, अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही क्वेश्चन पे 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर होनी है, 0.25 मार्क्स यहाँ पर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ा है, आपको ऑप्शन नहीं आता, आंसर नहीं आता, आपने छोड़ दिया, आपने कुछ भी मार्क नहीं किया, तो उस केस में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ना ही आपके जो है कोई एडिशनल मार्क्स जुड़ेंगे। सिर्फ सही करने पर 1 मार्क और गलत करने पर 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्योंकि आपके पास आने हैं, तो OMR शीट पर आपको उसका आंसर करना होगा ऑप्शन में, और आपको जिस भी क्वेश्चन को सही लगता है उस क्वेश्चन को मार्क करना होगा, ऐसे सर्कल दिया रहेगा और उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। ठीक है, इस तरीके से। देन आपके पास सिलेबस की बात करें, आगे सिलेबस की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एज लिमिट क्या क्या बताई गई है। देखो, अगर आप PGT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एज लिमिट है यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स, है ना, 40 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको थोड़ी बहुत यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और 55 इयर्स तक EMRS एम्प्लॉयज को यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप PGT कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कॉमर्स होना चाहिए या तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट से, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, है ना, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए कॉमर्स के अंदर। और आपके पास अगर MCOM की डिग्री है जो कि अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स की है तो ध्यान रखेगा तब आप एलिजिबल नहीं होंगे PGT कॉमर्स के लिए, तब आप PGT इकोनॉमिक्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, देन मास्टर्स डिग्री चाहिए, हमें पता है अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको MCOM चाहिए। यहाँ पर सवाल आता है कि मैम BEd चाहिए या नहीं चाहिए, तो देखो BEd उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिन लोगों का कोर्स 4 साल का नहीं है। ठीक है, अगर आपका BEd का कोर्स 4 साल वाला नहीं है, जो हालांकि चल रहे हैं 2 साल वाले कोर्स जो अब आ गए हैं BEd के, अगर आपने उससे BEd किया है तो आपका BEd होना जरूरी है। बट अगर आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है पूरा का पूरा BEd का, तो फिर आपको इसमें स्पेशली BEd की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मास्टर्स के आधार पर भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस पूरे PDF में आपको बताया गया है कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके PGT कॉमर्स के। ठीक है, अब हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो कुल मिलाकर हमने PGT कॉमर्स के लिए जो नोटिफिकेशन देखा उसमें हमने देखा कि भाई लास्ट डेट है 31 जुलाई, फीस है हमारी 2000 रुपए, ये हमें फीस फिल करनी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई मास्टर्स होना चाहिए कॉमर्स में, और आपका मेजर सब्जेक्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग होना चाहिए। BEd होना जरूरी है, अगर आपका 4 साल वाला BEd नहीं है तो BEd यहाँ पर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 40 इयर्स तक आपकी एज 40 इयर्स तक आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए, और जो SC कैटेगरी ST कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन भी यहाँ पर हमें दिया गया है। अब छोटा सा डिस्कशन करते हैं हमारे PGT कॉमर्स के सिलेबस को लेकर। तो देखो PGT में आपके पास कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो ये पूरा PDF है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का बताया गया है। PGT कॉमर्स, ये रहा PGT कॉमर्स। तो जैसे पहले ही मैंने आपको इसमें बताया था कि 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम होगा, एक होगा बिजनेस का सेक्शन और एक होगा आपका अकाउंटेंसी का सेक्शन। तो यहाँ पर वही है, बस अब हमें डिटेल में बता दिया इन्होंने कि हम अकाउंटेंसी और बिजनेस से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो देखो अकाउंटेंसी में जैसे आपने क्लास 11 से अपना बेसिक स्टार्ट किया था कि अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, जर्नल एंट्री क्या होती है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये आपका पहला यूनिट रहेगा, यूनिट 1। इसमें आप अकाउंटिंग के बारे में हर एक चीज सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, है ना। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट नंबर 2, जिसमें आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे।
यहाँ पर आपको जीएसटी भी मेंशन किया है कि भाई जीएसटी भी पढ़ना है, और सिर्फ जीएसटी में पूछा है इन्होंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एडवांटेजेस, है ना। देन बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कि भाई पहले जर्नल एंट्री बनेगी, फिर हमें क्या करना है, उसके सेपरेट लेजर्स को प्रिपेयर करना है, सेपरेट बुक्स प्रिपेयर करनी है, कैश बुक और आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सब्सिडी बुक जितनी भी आती है सारी की सारी। फिर यहाँ पर आपका आता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो भी आप बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपनी बुक में और बैंक की बुक में कितना थोड़ा बहुत चेंज आया है उसको कैसे कम करें या वो चेंज क्यों आया है, इसे देखने के लिए बनाया जाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। देन डेप्रिसिएशन प्रोविजंस रिजर्व, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। एसएलएम मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड स्पेशली मेंशन किया है इन्होंने, इसके फायदे नुकसान, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, इनका डिफरेंस, टाइप्स ऑफ रिजर्व पूछा है यहां पर, है ना। देन हमें कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व का डिफरेंस भी पूछा है। फिर आती है आपके पास यूनिट नंबर फोर्थ, ये थर्ड हो गई, ये हो गई यूनिट फोर्थ, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फिफ्थ आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट टू। अब पार्ट टू में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी आपने क्लास 11th में जो बाकी का पोर्शन पढ़ा था ना कि कैसे आपका पीएनएल अकाउंट बनेगा, कैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, कैसे आपकी बैलेंस शीट बनेगी, वो यहाँ पर आपको देखना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल दी है तो कौन से दो जगह ट्रांजेक्शन होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो कहाँ ट्रांजेक्शन आएगी, एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट एक्रूड है कहाँ आएगा, है ना, एरियर है कहाँ आएगा, तो ये सब ट्रांजेक्शन आपको सीखनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट टू के अंदर। तो यानी कि मैं अगर मोटा मोटा बताऊं तो 1-5 यूनिट में कह सकती हूँ आपकी अकाउंटेंसी में, अगर आप शुरू के 5 यूनिट देखें, यूनिट नंबर 1-2, यूनिट नंबर 5, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लास 11th में कराई जाती है, सारी चीजें क्लास 11th में कराई जाती है, तो आप उन बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका 6th से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यहां पर शुरू हो जाता है आपका क्लास 12th का सिलेबस कि पार्टनरशिप क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसॉल्यूशन आता है कि जब आपके पास कोई नया पार्टनर आ रहा है तो आप कैसे पार्टनरशिप के रेशियोज को बदलते हैं, उनके शेयर्स में चेंजेस आते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे चेंज होता है। देन अगर कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो कैसा ट्रीटमेंट होगा, ये आप यूनिट नंबर 8th में पढ़ेंगे। यहाँ पर आ गया ये यूनिट नंबर 8, रिटायरमेंट एंड डेथ। देन यूनिट नंबर 9th में आता है आपका डिसॉल्यूशन, जब आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा ये आपको बताना है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बेसिकली ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, एमकॉम में ही पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी ये पढ़ने हैं भाई, बैलेंस शीट जो हमें पढ़ाई जाती है स्केड्यूल 3 के अंदर, या फिर आपका पीएनएल अकाउंट जो आपका इनकम स्टेटमेंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जिसमें आप कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो ये हो गई 9th यूनिट, ये हो गई 10th यूनिट, ये है 11th, ये आ गई आपकी यूनिट 12, इस तरह से आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट यूनिट 13। तो अब मैं अगर बताऊं कि अकाउंटेंसी में फर्स्ट टू कितना था, 6th यूनिट था कि 5th था, हाँ 5th यूनिट तक आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। देन आप क्लास 6th से अगर पढ़ेंगे, ये कहाँ पे तक आ गया, पूरा ही आ गया 13 तक, क्लास 6th से पूरा का पूरा 13 तक आ गया। तो ये आपने 12th में भी अच्छे से पढ़ा है, साथ ही साथ आपने बीकॉम के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में ये सारे के सारे टॉपिक्स हमसे पूछे जाते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर, है ना। देन आपके पास बिजनेस के बारे में बताया गया है कि पार्ट टू जो है वो बिजनेस स्टडीज का पोर्शन है, यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ बिजनेस बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्लास 1
यूनिट वन आपकी रहेगी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस की बिजनेस का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स इनमें डिफरेंस क्या होता है ना, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, ट्रेड कितने टाइप्स के हैं, बिजनेस रिस्क क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो कौन से टाइप का बिजनेस हमें शुरू करना चाहिए, क्या हमें सोल प्रोप्राइटर करना चाहिए, क्या पार्टनरशिप करनी चाहिए, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अच्छा रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा रहेगा, वन पर्सन कंपनी सही है या फिर एक कंपनी ही सही है, तो ये सारी की सारी चीजों की चॉइस करने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना पड़ता है। फिर हम पढ़ते हैं पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर के बारे में, प्राइवेट सेक्टर के बारे में, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बनते कैसे हैं, पीपीपी का क्या कंसेप्ट है, बिजनेस सर्विसेज में आते हैं आपके बिजनेस के लेकर जो भी बेनिफिट्स, जो भी सर्विसेज हमें दी जा रही है, चाहे वो इंश्योरेंस है ना, चाहे वो हमारी बैंकिंग सर्विसेज है, तो वो आती है इसके अंदर। फिर आता है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस यानी कि ई बिजनेस, ऑनलाइन जो बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की और बिजनेस एथिक्स हमें पढ़ना है, हमें बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ से लेकर आना है, तो उसके लिए फाइनेंस और ट्रेड पढ़ना पड़ेगा जिसमें सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे, स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस पढ़ना पड़ेगा जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी बताया गया है, MSMED एक्ट पढ़ना पड़ेगा, स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल है, NSIC क्या है, ठीक है, DIC क्या है, फिर इंटरनल ट्रेड क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, इंटरनल ट्रेड जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जब आप दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग का पूरा पोर्शन, और लास्ट में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ये सारी की सारी चीजें आपने क्लास 11th और 12th में डिटेल में पढ़ी हैं। आप क्लास 11th की बिजनेस की बुक उठा के देख लो, आप क्लास 12th की बिजनेस की बुक उठा के देख लो, उसमें आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी और सारी चीजें आपने 11th 12th में पढ़ी है। अब इस एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए और भी आसान है क्योंकि हमारे ऐप पर हम इसकी तैयारी करा रहे हैं, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हमने इसके लिए कोर्स लॉन्च कर ही दिया है और आपकी प्रिपरेशन को स्मूथली बनाने के लिए हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको प्रैक्टिस MCQ सेशंस भी देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होते ही हैं, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम अपनी PDFs को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देते हैं, हम आपको पढ़ाते भी बायलिंगुअल में हैं ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे को भी परेशानी ना हो और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। तो दोनों ही बातों का ध्यान रखकर हमारे लेक्चर्स भी बायलिंगुअल होते हैं और हमारी PDFs भी बायलिंगुअल होती है। तो ये आपका PGT कॉमर्स का सिलेबस है, कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर हमने आज किया, साथ ही साथ आपने इसके अकाउंटेंट की भी नोटिफिकेशन देख ली होगी, अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिटेल्ड सेशंस, पूरे के पूरे डिटेल्ड लेक्चर सर ने लिया है और उसका कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं इस एग्जाम में तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि क्वालिफाइड एडुकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, CA क्वालिफाइड है, नेट JRF क्वालिफाइड है। फिर आपको मिलेंगे यहाँ पर MCQs प्रैक्टिस करने के लिए, MCQs हम अपने YouTube पर भी कराते हैं, साथ ही साथ हमारे ऐप पर भी कराते हैं। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंची है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है ना। देन साथ ही साथ आपको जो PDFs मिलेंगी वो मिलेंगी बायलिंगुअल फॉर्मेट में, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से देख सकते हैं और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन हमारे ऐप पर कराई जाएगी और इससे जुड़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाइए। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही, आज हमने PGT कॉमर्स का डिस्कशन किया EMRS वैकेंसीज के थ्रू और
आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन जानकर बहुत खुशी हुई होगी, एक मौका आपको मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। तो टाइम से पहले 31 जुलाई से पहले पहले अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिए और हमारे साथ मिलकर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।